वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। इंदौर जिले के एक निजी स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा को लव लेटर देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, फिर टीचर का मुंडन कर मुंह काला किया और जुलूस भी निकाला। आरोप है कि शिक्षक वैभव नायक ने करीब 13 साल की छात्रा को लेटर भेज फोन पर बात करने का दबाव बनाया, ऐसा नहीं करने पर आत्महत्या की धमकी भी दी। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने शिक्षक को पकड़कर पहले उसके सिर के आधे बाल काटे और उसी हालत में उसे पूरे गांव में घुमाया, उसके मुंह पर काला ऑयल भी डाल दिया। मामला इंदौर शहर से 70 किलोमीटर दूर मानपुर के खेड़ी सिहोद गांव का है। थाना प्रभारी हितेंद्र राठौर के अनुसार आरोपी शिक्षक वैभव नायक 24 वर्षीय निवासी झांसी यूपी का रहने वाला है। वो एक साल से खेड़ी गांव के निजी स्कूल में पढ़ाता है। नायक ने शुक्रवार शाम को 6 साल की बच्ची के हाथों 8वीं में पढ़ने वाली नाबालिग को लव लेटर भेजा था और बात करने का दबाव बना रहा था। छात्रा के पिता ने बताया कि वैभव पहले भी बच्ची से अश्लील हरकत कर चुका है। पुलिस ने टीचर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया।